ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. माई सेल्फ हार्दिक पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट. मैंने आगे भी आपका लेक्चर लिया है. उस टाइम पे हमने डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कवर किए थे. फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, बुलियन, लाइक दैट. ओके, नाउ आवर टूडेज टॉपिक इन सेशन 5 इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम दी कॉन्सोल इन पाइथन. टेकिंग इनपुट फ्रॉम दी कॉन्सोल इन पाइथन. वेट अ मिनट. ओके, टेकिंग इनपुट फ्रॉम दी कंसोल इन पाइथन. आई थिंक ये आपके लिए नया वर्ड है, कंसोल. अभी तक हमने क्या किया था, कोई भी प्रैक्टिकल हमने गूगल कॉलेब में रन किया था, राइट? जैसे कि मैं ये ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोडिंग लिखती हूँ और यहाँ से रन कर लेती हूँ. अभी क्या हुआ, अभी तक हमने देखा डायरेक्टली हमने जब एक की वैल्यू ली, कैसे ली, हमने मैन्युअली दे ही दी है कि एक की वैल्यू अभी 5 है जो भी मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी उसके लिए, बी की वैल्यू 10 है जो भी मैं अभी प्रोग्राम रन करूंगी उसके लिए. और मैंने अभी सपोज एडिशन करवाया ए प्लस बी, तो वो जो मुझे आंसर प्रिंट करके देगा सी, तो वो क्या देगा, ये दोनों का एडिशन. अभी क्या हुआ, 15. मीन्स हमने यहाँ पे मैन्युअली ही वैल्यू दे दी है ए और बी की. एक बार हमने दे दी तो एडिशन के लिए ये वैल्यू फिक्स हो गई. लेकिन अभी फॉर एग्जांपल ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोड सेम है लेकिन नंबर ऑफ यूजर जो अलग अलग रन करते हैं उसके लिए अलग अलग आउटपुट्स चाहिए. मीन्स एज अ यूजर अगर मुझे ए की वैल्यू 10 चाहिए, एज अ यूजर अगर मुझे ए की वैल्यू 10 चाहिए, बी की वैल्यू 20 चाहिए, तो मुझे मेरे ओरिजिनल कोड में चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे मैन्युअली वैल्यूज दे दी है. एज अ यूजर सपोज आप में से कोई स्टूडेंट को वैल्यू लेनी है सिंपल 5 5, तो आपको आपके कोड में चेंज करना पड़ेगा जिसके कारण आपके हिसाब से आप इनपुट दे सको. लेकिन ऐसी भी कंडीशन है कि यूजर को, हर एक यूजर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वैल्यू देनी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली रन टाइम पे उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम अभी तक जो कर रहे थे वो प्रोग्राम है, जैसे कि ए बी सी तीनों की वैल्यूज मैन्युअली ही दे दी है. यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है जो रन हो रहा है और उस टाइम पे यूजर वैल्यूज एंटर कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे है इक्वल टू 10, ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट है, इनपुट पार्ट. ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, जब मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम, वो टाइप का कोड है. तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मैं खुद ही एंटर करूंगी, जैसे कि 10 एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करना है, सेकंड वैल्यू इंसर्ट करनी है. तो
तो ये क्यों यूज हो रहा है? तो मुझे अगर फिक्स कोई वैल्यू नहीं देनी है मेरे प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम को जनरल रखना है, जैसे कि कोई भी यूजर कोई भी वैल्यूज लेके उनको रन कर सके। सिंपल एडिशन भी करना हो तो मुझे ये फिक्स वैल्यूज नहीं देनी है। अगर कोई भी यूजर रन करता है विथ डिफरेंट वैल्यू, तो उसके लिए भी मेरा कोड ये प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, रन टाइम पे इनपुट लेने की। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उस मेथड पे जाने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोल। अभी तक हमने गूगल कॉलेब में रन किया था प्रोग्राम, अभी मैं आपको ऑफलाइन प्रोग्राम जो रन करना है वो दिखा रही हूँ, जिसके कारण आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके कर सकते हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल पे रन कर रहे हैं तो उनको सेम कोड गूगल कॉलेब में ही रन करना है, सिर्फ आपको ऑफलाइन कैसे रन होता है वो देखते जाना है। ओके, पहले ही सेशन में वीसी जोशी सर ने आपको दिखाया था कि आपको पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जब मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगी और पाइथन लिखूंगी, मुझे ऐसा सब कुछ दिखाएगा जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, राइट? पाइथन की वेबसाइट पे से आपको पाइथन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप जब रन में पाइथन लिखोगे तो आपको ऐसा सब दिखाएगा, उसमें से आपको आईडी एली सिलेक्ट करना है। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लीज आंसर मी, आर यू सीइंग? ओके, वेरी गुड। ये हम क्या कर रहे हैं आज, हम ये ऑफलाइन कोड रन कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको कॉलेब में ही रन करना है, लेकिन ये देखते जाना है। ओके, तो मैंने कहाँ से पाइथन स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट मेनू में जब मैं पाइथन लिखूंगी तो मुझे ये आईडी एली दिखाएगा, जिसको बोलते हैं पाइथन जीयूआई। नाउ व्हाट इज आईडी एली? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म क्या है उनका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स मुझे एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा इस तरह का जहाँ पे मैं कोड लिख भी सकती हूँ और इसी एनवायरनमेंट में मुझे कुछ आउटपुट भी दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हेलो, ये मुझे रन करके देगा हेलो। तो एक ही एनवायरनमेंट है, एक ही लोकेशन है जहाँ पे मैं कोड भी लिख सकती हूँ, वहां पे ही मैं आउटपुट भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ। उनको बोलते हैं आई डी एल ई, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर पाइथन। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो पाइथन सेल लिखा है, ये विजिबल है पाइथन सेल, जो ये फाइल का हेडिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कॉन्सोल स्क्रीन है जो हमने हमारे टॉपिक में देखा है, कॉन्सोल स्क्रीन के जिसके थ्रू हम हमारे हिसाब से वैल्यू एंटर कर सकते हैं एंड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंसोल, वेयर इट इज यूज। सो कमांड लाइन इंटरफेस, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस वेयर यू कैन इनपुट कमांड दैट इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें क्या करना है, यहाँ कमांड लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, इट इज वन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन, सो वी हैव टू डायरेक्टली राइट दैट कोड इन दिस सेल विच इज कॉल्ड एज अ कंसोल स्क्रीन। वहां पे ही हमको आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा इंटरफेस कि जिसके थ्रू हम हमारा इनपुट डालेंगे एज अ कमांड एंड वो वहां पे हमको आउटपुट जनरेट करके देगा। कैसे देगा, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होगा। आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम विंडोज यूज करते हैं, राइट?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किसके थ्रू, तो कमांड के थ्रू। हम धीरे धीरे देखेंगे आगे। नाउ कंसोल मीन्स व्हाट? इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेल। जो हमने यहाँ पे देखा पाइथन सेल, तो वही क्या है? हमारा कंसोल स्क्रीन। तो ये कंसोल स्क्रीन पे हम ऑफलाइन पाइथन के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इट इज अ बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस। कंसोल को क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जो हम रन करते टाइम यूजर के पास से इनपुट लेंगे और इंटरप्रिटर उनको इंटरप्रिट करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो कंसोल समझने के लिए हमें कंपलसरी क्या समझना है? कमांड लाइन इंटरप्रिटर और कमांड लाइन इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस है जो हम कमांड के थ्रू हमारे आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी आप सिर्फ इसको ध्यान में रखिए कि ये बोलते क्या है। कंसोल स्क्रीन जो हम ऑफलाइन मोड में पाइथन के थ्रू रन कर रहे हैं। अभी कंसोल स्क्रीन मीन्स व्हाट? ऐसी दिखती है आपकी कंसोल स्क्रीन, जहां पे आपको डायरेक्टली कमांड लिखना है वहां पे ही आपको आउटपुट जनरेट होता दिखेगा। इसको बोलते हैं IDLE। ओके, यस, इट इज लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे हम CMD यूज करते हैं जिसमें डायरेक्टली कमांड लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे पाइथन के लिए स्पेसिफिक एक सेल है जिसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। यस नितेश मैम, रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे तो आपको कमांड लिख के एंटर ही प्रेस करना है नितेश, बट जब हम पूरा सेल स्क्रिप्ट लिखेंगे, मींस पूरा प्रोग्राम लिखेंगे फाइल में और उनको रन करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की है। मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। ये हमें डायरेक्टली लिखना है कमांड और एंटर प्रेस करके हमको आउटपुट मिल जाएगा, राइट? तो जो हम अभी तक पढ़े हैं प्रिंट स्टेटमेंट, उसका आउटपुट हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया है। तो उसको क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस एंड कंसोल स्क्रीन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्लाइड। नाउ कंसोल स्क्रीन कैसे दिखती है? तो जो मैंने आपको दिखाया पाइथन सेल, उनको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, जहाँ पे हम इनपुट लिख के एंटर प्रेस करके डायरेक्टली हमारा आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। तो कंसोल स्क्रीन मीन्स ऐसी स्क्रीन जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे। नाउ मुझे अभी यूजर के पास से रन करते टाइम इनपुट लेना है, तो उसके लिए सॉरी पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है, उसका नाम है इनपुट। इनपुट नाम की एक ऐसी मेथड अवेलेबल है पाइथन में, जिसके थ्रू आप रन टाइम पे यूजर के थ्रू इनपुट दे सकते हो। इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक आउटपुट रन करके दूंगी। हम पहले इसी पार्ट में देखेंगे। अगर मुझे कोई इनपुट लेना है, हमें कंपैरिजन भी करते जाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैन्युअली वैल्यूज दे दी है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट वैल्यूज ले रही हूँ। एंटर नंबर वन इक्वल टू और एंटर वैल्यू ऑफ ए। मुझे एक ही वैल्यू एंटर करवानी है, लेकिन रन करते टाइम। वो एंटर होने के बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है, राइट? मैंने एक ही वैल्यू प्रिंट करवाई, अभी मैं रन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे क्या पूछेगा वो, कि आपको एक ही वैल्यू क्या लेनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी 5। जैसे हमने यहाँ पे मैन्युअली दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं रन टाइम पे उनको वैल्यू असाइन कर रही हूँ। बेनिफिट क्या है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो गई ऊपर वाले प्रोग्राम में, यहाँ पे यूजर के हिसाब से वो चेंज हो सकता है रन टाइम पे। मीन्स कोडिंग सेम, वैल्यूज डिफरेंट, राइट? तो ये भी अवेलेबल है पाइथन में। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें जैसे हम स्कैनएफ यूज करते हैं यूजर के पास से वैल्यू लेने के लिए, पाइथन के अंदर इनबिल्ट मेथड है इनपुट मेथड, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली रन टाइम पे वो वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है।
ओके सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके माय स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके सो मच, थैंक यू सो मच। ओके हम देख रहे थे अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट जनरेट करवाना है तो वो मुझे प्रिंट करके पहले पूछेगा एक ही वैल्यू, उसके बाद वही वैल्यू प्रिंट करके देगा। ओके मैंने एंटर किया 5, उन्होंने प्रिंट करके दिया 5। ओके इज इट विजिबल? यस। पहले हम क्या कर रहे थे, मैन्युअली वैल्यूज दे रहे थे, अभी हमने क्या किया, यूजर के पास से इनपुट ले लिया, राइट? तो ये किसके लिए यूज होती है मेथड, अगर मुझे यूजर के पास से वैल्यू
लेनी है एट रन टाइम तो मुझे इनपुट मेथड यूज करनी है, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा है, टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर वी मेक यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज इनपुट, राइट? तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इनपुट फंक्शन को? यहाँ पे एक सिंपल कोड दिया है, मैंने कोई वेरिएबल में वो इनपुट मेथड लिख दी है और वही वेरिएबल को मुझे प्रिंट करवाना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे किया है, इनपुट मेथड यूज कर ली एंड वो ही वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा लिया। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस स्लाइड स्टूडेंट? अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, आपको अभी मुझे पूछ लेना है, बिकॉज अभी की सारी स्लाइड टोटली इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, रन टाइम पे यूजर के पास से इनपुट ले रहे हैं, मैन्युअली वैल्यूज दे नहीं रहे हैं। जैसे सी में हम स्कैनएफ यूज करते थे, यहाँ पे हमें बिल्ट इन मेथड कौन सी है, इनपुट मेथड यूज करनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इनपुट मेथड देखा है उसका मीनिंग क्या है, हम कोई भी इनपुट लेंगे वो यहाँ पे हमें एज अ आउटपुट इनपुट देने की परमिशन देगा, राइट? वेट, ओके। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज ले रही हूँ, कंट्रोल सी, मैंने लिया बी वैल्यू, यहाँ पे मुझे एंटर करवाना है वैल्यू बी, और दोनों का मुझे क्या करवाना है, एडिशन, ए प्लस बी, और प्रिंट करवाना है सी को। मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे एडिशन करना है जो भी मैं दो वैल्यू एंटर करूंगी उनका। तो यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, 5 एंटर किया, मुझे क्या देना चाहिए, वो 10 देना चाहिए, 5 प्लस 5, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 55। मीन्स वॉट, जब भी हम सिंपल इनपुट मेथड यूज करेंगे वो क्या करेगा, कोई भी इनपुट को एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा। कौन से फॉर्म में, स्ट्रिंग, जो हमने डेटा टाइप देखी थी वो, राइट? अभी स्ट्रिंग के साथ जब मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रही हूं तो वो मुझे क्या करके देगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकेट करके देगा, राइट? कॉनकेटिनेशन मीन्स व्हाट, दोनों स्ट्रिंग को वो ज्वाइन करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 5 लिया, तो उन्होंने मुझे कॉनकेट करके दिया 105। क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे तो एडिशन करना है, यहाँ पे वो एज अ स्ट्रिंग कोई भी इनपुट को ले रहा है, तो वो जब भी प्लस ऑपरेटर यूज करेगा क्या करके देगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकेट करके देगा, राइट? तो यही प्रॉब्लम है इनपुट में, हम जब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो क्या दे रहा है, मर्जिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अभी मुझे परफेक्ट एडिशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स वॉट, मुझे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे इंटीजर को ऐड करना है तो कंपलसरी उनका एडिशन होना चाहिए, जब मैं स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ उनका कॉनकेटिनेशन होना चाहिए, जब मैं फ्लोट वैल्यू के साथ काम कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे वो कैलकुलेशन देना चाहिए, राइट? तो जब भी हम इनपुट मेथड यूज करते हैं हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स वॉट, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जो कन्वर्ट करते हैं वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल है, मैंने इनपुट वैल्यू ली है ए के लिए, तो अगर मैं ए की टाइप प्रिंट करवा रही हूं तो मुझे क्या दे रहा है, स्ट्रिंग, str। क्यों? बिकॉज मैंने डायरेक्टली इनपुट मेथड यूज की है, भले मैंने 5 एज अ इंटीजर वैल्यू लिया है, वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। अभी अगर मैं ए को टाइप कास्ट करती हूँ, मीन्स कन्वर्ट करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर, तो अभी मैं ए की टाइप प्रिंट करवाती हूँ तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, इंटीजर, राइट? ये हम रन करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे
हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू ले रहे हैं डायरेक्टली और उनकी टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। ए की टाइप टाइप मेथड से हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद अगेन मैं क्या कर रही हूँ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे किया, तो जिसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है वही डेटा टाइप को मुझे इनपुट मेथड के आगे लिखनी है। यहाँ पे मैं प्रिंट करके अभी मैं रन कर रही हूँ। मैंने डाला 5, तो पहली ए की वैल्यू क्या दी उन्होंने, स्ट्रिंग। अभी मैं दूसरा भी 5 एंटर कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या प्रिंट करके दिया, इंटीजर। इंटरप्रिटर कैसे इंटरप्रिट करता है, सिंपल इनपुट मेथड एज अ स्ट्रिंग एंड टाइप कास्टिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इट इंटू दी पर्टिकुलर डेटा टाइप, राइट। तो टाइप कास्टिंग कैसे करोगे, इनपुट मेथड के आगे आपको वो डेटा टाइप लिख देनी है और यही सिंटेक्स आपको फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट, एक बार आप भी ट्राई कर लो कैसे हमने टाइप कास्टिंग किया, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया, एक बार ट्राई करो। यस तीर्थ, वेन वी हैव टू इनपुट अल्फाबेट्स बट फॉर नंबर वी हैव टू ऑल्सो राइट इंटीजर विथ इनपुट, यस दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग। तीर्थ क्लियर, वी आर डूइंग टाइप कास्टिंग विथ दैट पर्टिक्युलर इंटीजर वेरिएबल बट यू नीड टू फॉलो दिस सिंटेक्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ओके, अगर मुझे ऐसे ही फ्लोट वैल्यू लेनी है तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, फ्लोट। और डायरेक्टली इनपुट मेथड स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, फिर भी अगर मुझे स्ट्रिंग स्पेसिफिक लिखना है तो वो क्या प्रिंट करके देगा, स्ट्रिंग, राइट। तो हम 3 टाइप के कास्टिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यूजिंग इंटीजर। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो, इनपुट मेथड के साथ मैंने ले लिया इंटीजर का int, इंट। जब भी मैं इंट लूंगी तो वो नंबर को एज अ इंटीजर ही कंसिडर करेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। वैसे ही अगर मुझे फ्लोट लेना है तो मैं इंस्टेड ऑफ इंट आई हैव टू राइट फ्लोट। इनपुट मेथड के साथ मुझे क्या लिख देना है, फ्लोट, और वो बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फिर भी पाइथन के अंदर एसटीआर जो डेटा टाइप है वो भी हम इनपुट मेथड के साथ लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते तो भी वो स्ट्रिंग में ही आपको एज अ इनपुट लेने देगा, राइट। तो ये 3 तरह का टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग किसके लिए जरूरी है, हमें कौन से टाइप का डेटा ऑपरेट करना है उसके हिसाब से हमें कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन कंसोल स्क्रीन एज वेल एज टाइप कास्टिंग इन पाइथन। कंसोल स्क्रीन मींस इस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे हम कमांड लिख के वहां पे ही रन करेंगे। एंड टाइप कास्टिंग मींस व्हाट, वी नीड टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अदर। ये तो मैंने इंटीजर फ्लोट दिखाया, आप और भी डेटा टाइप को कन्वर्जन परफॉर्म करवा सकते हो। ओके आयुष, व्हाट इज स्लेस एन, सी लैंग्वेज में स्लेस एन कैसे क्यों यूज होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह यूज होता है, राइट। अगर मैं यही आउटपुट मैं आपको रन करके देती हूँ विदाउट स्लेस एन, मैंने यहाँ से ये निकाल दिया है, तो मुझे कैसे प्रिंट करके देगा, यहाँ पे विदाउट स्पेस वो मुझे डायरेक्टली दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। अगर मुझे थोड़ा डिफ्रेंसिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, स्लेस एन। स्लेस एन मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर, आपको एक स्पेस न्यू लाइन में देके वो प्रिंट करेगा। वेट, ओके 5, यहाँ पे मेरी स्पेस आ गई, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू लाइन, नई लाइन पे वो डाइवर्ट करके देगा। क्लियर आयुष, स्लेस एन इज अ बैक स्लेस कैरेक्टर
यूज फॉर न्यू लाइन इन योर प्रोग्राम। एनी डाउट टिल नाउ? इनपुट मेथड क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, नाउ ये सेशन अभी कंटिन्यू करेंगे। क्रीना देसाई मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट्स? ओके, सो वी आर रिज्यूमिंग फ्रॉम दी यस्टरडेज टॉपिक विच इज टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, राइट? यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड ऑल द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विच आर यूजिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। जो कल हमने देखा था, देर आर दी पॉसिबिलिटी कि एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो, राइट? सो अगर ऐसा होता है कि आप एक से ज्यादा ऑपरेटर्स सेम एक्सप्रेशन में यूज करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले ऑपरेट होगा? मीन्स सपोज आई एम राइटिंग 12 + 3 - 4, तो इन पर्टिकुलर दैट स्टेटमेंट पहले एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंड ऑन दी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। जो भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, वो ऑपरेटर पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद में उससे सेकेंड हाईएस्ट पे जिसकी प्रायोरिटी रहेगी वो ऑपरेट होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगा, राइट? सो आज हमें देखना है, यस यू, फर्स्ट प्लस ऑपरेट होगा और उसके बाद में माइनस। उसी के रिलेटेड जो है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड, राइट? लेट्स टेक वन एग्जांपल। यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर। So here there is a parenthesis, and inside the parenthesis there is again one parenthesis which is 6 + 3, right? Now if I am doing 6 + 3 and then minus, in again next parenthesis I am doing again 6 + 3, right? So what you will get it here? Let's do the practical first. Inside the parenthesis, 6 + 3. Then again, take one parenthesis. I hope आप सब भी मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। And here again, I am doing 6 + 3, right? सो हियर यू कैन सी हमें एडिशन भी करना है, हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो पेरेंथिसिस है, पेरेंथिसिस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट? सो सबसे पहला जो पेरेंथिसिस है वो है एक 6 + 3 का,
दूसरा पेरेंथेसिस है 6 + 3 का, सो हियर व्हाट हैपन, सबसे पहले ऑपरेट होगा 6 + 3, सो व्हाट यू विल गेट हियर, 6 + 3 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9, देन माइनस सेकेंड पेरेंथेसिस में क्या वैल्यू है हमारे पास, अगेन 6 + 3 विच इज 9, राइट, सो अगर 9 - 9 करोगे यू विल गेट 0, सो दिस इज हाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, राइट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पेरेंथिसिस में लिख रही हूं मैं 100 + 5 × 3, पेरेंथिसिस आर हैविंग दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट, बट प्रायोरिटी जो है पेरेंथिसिस की वो हाईएस्ट है। नाउ यू कैन सी इनसाइड द पेरेंथिसिस देयर इज अ एडिशन, देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, सो पहले एडिशन होगा या पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट, सो मल्टीप्लीकेशन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द एडिशन, सो हियर फर्स्ट परफॉर्म होगा 5 × 3, सो इट विल बी 100 + 5 × 3 मीन्स 15, राइट, सो सबसे पहले होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 × 3 और उसका एडिशन होगा 100 के साथ में, सो फाइनली यू विल गेट 115, लेट्स रन दिस कोड, सो देयर यू गो, यू विल गेट 115, क्लियर स्टूडेंट्स, यस, सो दिस इज ओनली अबाउट द प्रायोरिटीज कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। नाउ इन ऑपरेटर प्रेसिडेंसी देर विल नॉट बी एनी न्यू ऑपरेटर, राइट, जो भी हमने टाइप्स देखे थे ऑपरेटर्स के वो ही ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया हुआ है, सो ऐसी क्या प्रायोरिटी है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, यू मे नोट डाउन दिस पर्टिक्युलर प्रायोरिटीज, राइट, इट विल बी इजियर टू सॉल्व यू द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। सो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो, सबसे पहला जो सीरियल नंबर है 1, 1 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड 1 से आप जैसे जैसे नेक्स्ट 13th तक जाओगे वहां पे आपकी जो प्रायोरिटीज होगी वो कम होती जाएगी, राइट, सो फर्स्ट प्रायोरिटी मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, पेरेंथिसिस की, सो जहां पे भी आपने पेरेंथिसिस यूज किए हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, वो एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व होगा। देन सेकेंड प्रायोरिटी पे है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मीन्स व्हाट, क्या करेगा ये ऑपरेटर, इफ आई एम राइटिंग 3 × 2 देन व्हाट विल बी द आउटपुट, थ्री एक्सपोनेंशियल टू, सो इट विल परफॉर्म 3 raised to 2, राइट, एंड यू विल गेट 9, यस, ये देन थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा आपका यूनरी प्लस माइनस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, फोर्थ प्रायोरिटी पे रहेगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फ्लो डिवीजन एंड मॉड्यूलो। नाउ सपोज देर इज अ एक्सप्रेशन हैविंग अ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी, तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो में से, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी,
तो वहां पे आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना रहेगा फॉर द प्रायोरिटीज। यस गुड। देन नेक्स्ट फिफ्थ प्रायोरिटी पे है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिक्स्थ प्रायोरिटी पे रहेगा बिट वाइज लेफ्ट और राइट, जो हमने कल डिस्कस किया था। देन एंड ऑपरेटर, बट कौन सा एंड? बिट वाइज एंड। देर इज अ लॉजिकल एंड ऑल्सो एंड बिट वाइज ऑल्सो। बिट वाइज एंड में क्या होगा? हमने ट्रूथ टेबल देखा हुआ था, बिट वाइज एंड और नॉट एक्स और, याद है आपको? यस, सो अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेगा। देन नेक्स्ट है एट पे आएगा आपका बीट वाइज एक्स और, नाइन्थ पे आएगा बीट वाइज और, टेंथ नंबर पे आएगा कंपेरिजन्स आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी में आएगा इज नॉट, मेंबरशिप में आएगा इन नॉट इन, और कंपेरिजन्स में आएगा आपका इक्वल इक्वल नॉट इक्वल लेस और इक्वल्स ग्रेटर और इक्वल्स, राइट? सो यहाँ पे भी प्रायोरिटी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट। देन नेक्स्ट आएगा आपका लॉजिकल नॉट 11th नंबर पे, 12th नंबर पे आएगा एंड, और 13th नंबर पे आएगा और। सो सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है इसीलिए, क्योंकि जब एक से ज्यादा ऑपरेटर अगर यूज होंगे, सी इफ यू डू दी प्रैक्टिकल पाइथन कंपाइलर विल गिव यू दी आउटपुट, बट वो आउटपुट कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है वो हमें पता होना जरूरी है, राइट? लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर वन जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? लेट्स टेक द एग्जाम्पल टू। इनसाइड द पेरेंथेसिस 100 माइनस 3 एक्सपोनेंशियल 3। सो यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, कौन सा ऑपरेशन पहले होगा? सो एक्सपोनेंशियल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट? सो इट विल परफॉर्म 3 रेज टू 3 फर्स्ट। सो हियर इट विल बी 100 माइनस 3 रेज टू 3 मीन्स 27, राइट? सो इट विल परफॉर्म 100 माइनस 27 विच इज 73। सो हियर यू विल गेट 73। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 100 प्लस 03। सो यहाँ पे क्या होगा, जो बीट वाइज नॉट है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी, राइट? सो नॉट 3 का क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? इट विल कन्वर्टेड द इनटू द -4, राइट? सो 100 प्लस -4 एंड लेट्स रन दिस कोड एंड देन यू विल गेट 96, करेक्ट? देन नेक्स्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल नंबर 6। फाइव इक्वल इक्वल 4
4 + 1. अब यहां पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? एडिशन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी इक्वालिटी, और कंपेरिजन ऑपरेटर जो है आपका आपका इक्वल इक्वल, राइट? सो यहाँ पे परफॉर्म होगा हमारा 5 = 5. 5 = 5, ट्रू और फॉल्स? सो इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज दोनों वैल्यू इक्वल है. सो हियर इट विल रिटर्न यू ट्रू. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट वन. इनसाइड द पेरेंथिसिस 8, राइट सेफ्ट 4 - 2. नाउ यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? बिट वाइज राइट शिफ्ट की, राइट? सो बिट वाइज राइट शिफ्ट है और सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी कि बिट वाइज राइट की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन की या राइट शिफ्ट की? सब्ट्रैक्शन की, राइट? सो सबसे पहले परफॉर्म होगा 4 - 2. सो इक्वल 8, राइट शिफ्ट 4 - 2 मीन्स 2. सो हियर यू विल गेट 2. व्हाई? बिकॉज 8 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और उसे 2 बिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? 2, राइट? देन नेक्स्ट. सिक्स बीट वाइज एंड 2 + 1. किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है यहाँ पे? काजल, कल कैसे स्क्रीन शो हो रही थी आप बता सकते हो? यस, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? एडिशन. सो इट विल बी 6 बीट वाइज एंड ऑपरेटर, देन 3, एंड इट विल प्रिंट यू 2, राइट? नेक्स्ट 9 नंबर. सिक्स
बी ट्वाइस एक्स और 2 प्लस 1, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है यहाँ पे? एडिशन की प्रायोरिटी ज्यादा है ऑफ कोर्स, राइट? सो इट विल परफॉर्म 6 3 और आप अगर 6 और 3 का एक्स और करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? 5। करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, पेरेंथिसिस में लेंगे हम 6 बी ट्वाइस और 2 प्लस 1। अगेन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी यहाँ पे? एडिशन की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। सो इट विल परफॉर्म 6x और 3, राइट, विच विल गिव यू दी आंसर 7। किस तरह से एक्स और काउंट होगा, किस तरह से सिर्फ और काउंट होगा, हमने कल डिस्कस किया था। अकॉर्डिंगली आप करोगे एंड यू विल गेट दिस आउटपुट, राइट? पाइथन विल नॉट आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी कोड फर्स्ट एंड अप फ्रॉम द बाइनरी यू नीड टू डिराइव द डेसिमल। इट विल गिव यू द आउटपुट डायरेक्टली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस आउटपुट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आउटपुट, राइट? नेक्स्ट, फोर और 5 प्लस 10 और 8। सो हियर इट विल परफॉर्म विच ऑपरेशन फर्स्ट? विच ऑपरेशन विल परफॉर्म फर्स्ट हियर? सो 4 और 10 प्लस 5 सबसे पहले परफॉर्म होगा, और इज द ऑपरेटर ओवर हियर। सो 4 और 15 और 8। राइट, एंड यू विल गेट द आउटपुट 4। नेक्स्ट वन, 1 और 2 एंड 3। सो यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी पहले ज्यादा रहेगी, एंड की या और की? एंड की ज्यादा रहेगी या और की? एंड की, यस। सो सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्म होगा 1 और 2 एंड 3। 2 एंड 3 अगर आप करोगे यू विल गेट 3। सो वो आउटपुट के साथ में और अप्लाई होगा किसके लिए? फॉर द वैल्यू 1, राइट, एंड इट विल गिव यू द आउटपुट 1। ओके, आई फॉरगेट टू गिव यू द कमेंट साइन। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आउटपुट 1। नेक्स्ट, नॉट 5
इक्वल इक्वल 5। क्या परफॉर्म होगा फर्स्ट यहाँ पे? नॉट 5। इक्वल इक्वल 5, कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई होगा? यस, कंपैरिजन सबसे पहले होगी, राइट? और फिर यहाँ पे अप्लाई होगा नॉट 5। सो यू विल गेट द आउटपुट फॉल्स। व्हाई? नॉट ट्रू लास्ट में रहेगा और नॉट ट्रू आएगा आपका फॉल्स वैल्यू। देन नेक्स्ट रूप, नाउ एवरीबडी हैज टू राइट डाउन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट? 5 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 3। क्या अप्लाई होगा सबसे पहले? यस, पहले हम प्लस करेंगे, फिर माइनस और फिर वापस प्लस। सो हियर यू विल गेट दिस आउटपुट 5। इट विल परफॉर्म 5 प्लस 4 विच इज 9, 9 माइनस 7 विच इज 2, एंड देन 2 प्लस 3 विच मीन्स 5, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। सॉरी। ओके, एवरीबडी इज क्लियर विद द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी? फर्स्ट वी हैड डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, देन वी हैड डिस्कस द हाईएस्ट टू द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स, एंड वी हैव सॉल्व 14 एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, राइट? You don't need to solve it step by step. Directly compiler will give you the output, but you should know why this output, why not this, right? So for that reason, you should understand the table or the highest to lowest priority of the operator precedency. Next topic है हमारा different forms of assignment statements. जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं स्टेटमेंट्स को, राइट? तो वो वैल्यूज हम कौन कौन सी तरह से असाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दैट देर आर दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। एवरीबडी नोज असाइनमेंट स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? द स्टेटमेंट हैविंग द इक्वल साइन, राइट? बिकॉज अगर हमें किसी को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हमें इक्वल साइन लिखनी पड़ेगी, राइट? इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे हम वैल्यू लिखेंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको हम वो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, राइट? नाउ फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। नाउ बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या आएगा? सो सिंपली आप लिखते हो वेरिएबल नेम इक्वल करके वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी सी इज इक्वल्स टू वेलकम टू दी सेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग,
राइट। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे एबीसी को रिटर्न करवाती हूँ, तो आपका जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट हो गए। सो दिस इज व्हाट बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट डू, राइट। किस तरह से वर्क करेगा, सबसे पहले हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, देन इक्वल साइन, और उसके बाद में उसकी वैल्यू, जो कि हम अभी तक करते आ रहे थे ऑलरेडी। देर इज नथिंग न्यू, बट हमें नहीं पता था कि दिस इज बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो क्लियर विद द बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट्स एवरीवन? नाउ अगर मुझे एबीसी वेरिएबल की डेटा टाइप जाननी है तो कैसे होगा? सो प्रिंट, और हम यूज करेंगे टाइप मेथड। टाइप मेथड में अगेन क्या हम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। सो हियर यू विल गेट क्लास स्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज वी हैव असाइन द स्ट्रिंग वैल्यूज टू द एबीसी वेरिएबल। नेक्स्ट, मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सो यू कैन असाइन द मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, कैसे करेंगे। सो विल राइट डाउन द सिक्वेंस ऑफ वेरिएबल नेम, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री। सपोज मुझे असाइन करना है वैल्यू ए बी और सी को। सो ए बी सी कॉमा, फर्स्ट में असाइन करती हूँ हाय, सेकेंड में मुझे लिखना है गुड मॉर्निंग, और थर्ड को मैं असाइन करना चाहती हूँ वेलकम। सो दिस इज हाउ आई कैन राइट, और हाउ आई कैन असाइन थ्री वैल्यूज टू द थ्री वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन, राइट। अगर आप उसे प्रिंट करवाना चाहो तो सिंपली प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी करके आप प्रिंट करवा सकते हो। सो इट विल प्रिंट हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम, राइट। देन नेक्स्ट, ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किसे कहेंगे? सो वी कैन कंबाइन दी एरिथमेटिक और बिट वाइज ऑपरेशन विद दी असाइनमेंट साइन, राइट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सो सपोज आई एम राइटिंग ए प्लस, सॉरी, पहले हम ए को वैल्यू असाइन करते हैं 10। नाउ मैं प्रिंट करवा रही हूँ वैल्यू ऑफ 10। वैल्यू ऑफ ए इज 10 करके हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। नाउ ए की वैल्यू को मैं पर्टिकुलर कोई एरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट करके नई वैल्यू असाइन करती हूँ। याद है ये कौन सा ऑपरेटर है? वी हैव डिस्कस द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। सो इट इज वन ऑफ देम। सो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू 10, राइट, विच इज 10 इंटू 10, एंड इट विल असाइन दिस वैल्यू टू द वेरिएबल ए। सो अगर वापस मैं यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 100। सो फर्स्ट यू विल गेट 10 जो कि एज इट इज मिलेगा, और सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर अप्लाई हुआ एरिथमेटिक ऑपरेटर और नई वैल्यू असाइन हुई हमारे वेरिएबल ए को। सो दैट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट।
ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम वैल्यू के ऊपर कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके ऊपर ही हम कोई ऑपरेशन करके उसे कंबाइन करते हैं, राइट? सो दैट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट है हमारा चेंज असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने डिस्कस किया था इफ वी वांट टू अप्लाई और असाइन सिंगल वैल्यू टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, सो हाउ कैन वी डू दैट? सो आपको सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल लिखना है बीच में इक्वल साइन और उसके साथ साथ में लास्ट में जो वैल्यू होगी, मींस लास्ट जो इक्वल साइन है उसकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसको असाइन होगी? लेफ्ट हैंड साइड पे। सो सपोज मुझे वेरिएबल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीन वेरिएबल को, और चलो W को भी सपोज मुझे असाइन करना है। सो ये है हमारे चार वेरिएबल्स जिसको मैं वैल्यू कौन सी असाइन करना चाहती हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? तो हमें क्या करना होगा, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे, इक्वल साइन, और ये जो वेरिएबल्स के नेम है उसे मुझे क्या असाइन करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आफ्टर दिस कोड W X Y और Z, ये चारों वेरिएबल को आपने जो स्ट्रिंग पास की है वो असाइन हो जाएगी। W X Y Z, राइट? सो हियर यू विल गेट पाइथन प्रोग्रामिंग 4 टाइम्स, राइट? देन नेक्स्ट वन है हमारा अनपैकिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। हाउ कैन यू अनपैक द असाइनमेंट स्टेटमेंट, मीन्स वॉट? लेफ्ट हैंड साइड पे आप सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स लिखोगे और राइट हैंड साइड पे आप लीस्ट वैल्यूज ले सकते हो, ट्रिपल वैल्यूज ले सकते हो, राइट? जिसको अनपैक करके आप सिंगल वैल्यूज असाइन कर सकते हो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, आई एम टेकिंग द वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स, और इसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग कॉमा 10 कॉमा पाइथन, यस आयुष। जब ये हमने डिस्कस किया था इट वाज इन हाउ कैन वी असाइन दी वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, राइट? बट उस जगह पे अगर पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट हम कौन सी टाइप का स्टेटमेंट कहते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया था। इट वॉज जस्ट अबाउट दी हाउ कैन वी असाइन दी वेरिएबल्स वैल्यूज टू दी वेरिएबल्स। नाउ हियर वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ वी आर टेकिंग थ्री वेरिएबल्स यू हैव टू असाइन थ्री वैल्यूज, राइट? नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, सो व्हाट यू विल गेट हियर अगर मैं ए की वैल्यू रिटर्न करवाऊं तो? यस, ओके,
So here you will get Python programming, right? Next and the last one, swapping the assignment statements. किस तरह से आपने जो वैल्यू असाइन की है दो वेरिएबल्स को वो आप स्वैप करवा सकते हो. मीन्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए के अंदर 10 नंबर, बी के अंदर मैं लिख रही हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू, या चलो 20 ले लेते हैं, राइट. अब मुझे जो 10 वैल्यू असाइन की है ए को वो मुझे स्वैप करवानी है बी के साथ. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ए कॉमा बी इक्वल, ए को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, बी की जो वैल्यू है वो. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी बी कॉमा, बी को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, जो ए को असाइन की है वो वैल्यू. सो हियर आई विल राइट ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, राइट. एंड नाउ इफ आई प्रिंट प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, सो हियर यू कैन सी द स्वॉपिंग ऑफ वैल्यूज. जहां मैंने ए प्रिंट करवाया वहां पे आपको मिला 20, जहां पे मैंने बी प्रिंट करवाया वहां पे आपको मिला 10, राइट. नेक्स्ट, कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं पाइथन में, राइट. सो बेसिकली पाइथन में एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, सो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो आप लिखते हो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एज वेल एज द ऑपरेंड्स, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, देन सेकेंड इज एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, बिट वाइज एक्सप्रेशन एंड कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन. यू कैन सी मैनी ऑफ देम आर दी पर्टिकुलर ऑपरेटर्स, राइट. सो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन देखे पहले, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, सो द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द कॉन्स्टेंट वैल्यू. कॉन्स्टेंट वैल्यू मीन्स वॉट, सपोज आई एम राइटिंग हियर सो हियर द वैल्यू फॉर द एक्स इज कॉन्स्टेंट, राइट. अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. आई एम नॉट ओवर राइडिंग द वैल्यू फॉर द वेरिएबल एक्स ओवर हियर, सो द वैल्यू फॉर द वेरिएबल एक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट. सो द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, राइट, इट इज नोन एज द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन. देन नेक्स्ट है एरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, सो द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट, उसे हम कहते हैं एरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो सपोज आई एम टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 10, ओके आई यूज ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए मीन्स वॉट. सपोज आपको दो वेरिएबल्स है ए एंड बी जिसकी वैल्यूज को आपको करना है स्वैप. ए को मैंने असाइन किया है 10 और बी को मैंने असाइन किया हुआ है 20. अब क्या होगा अगर आपको बी की वैल्यू ए को असाइन करनी है, सो एज वी ऑल नो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वेरिएबल के नेम आएंगे बट सीक्वेंस में. सो यहाँ पे मैंने लिखा है ए कॉमा बी, राइट, जिसे मुझे वैल्यू असाइन करनी है, बट मैं कौन सी वैल्यू असाइन करूंगी. सो नाउ इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे मैं फर्स्ट वेरिएबल के लिए वैल्यू लिखूंगी जिसे मैं ए को अप्लाई करना चाहती हूँ, असाइन करना चाहती हूँ. अब ए को सपोज मुझे असाइन करना है जो वैल्यू बी के पास है, इसीलिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड पे बी कॉमा. अब नेक्स्ट मैं किसके लिए वैल्यू लिखूंगी, बी के लिए. सो बी को मुझे असाइन करनी है वैल्यू ए की.
सो इसीलिए मैंने लिखा बी कॉमा ए. सो आफ्टर दिस एक्सप्रेशन इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए एंड असाइन द वैल्यू ऑफ ए टू बी. आयुष, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके गुड. सो ए की वैल्यू मैंने ली है 10, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 12. आई एम डूइंग दी एडिशन ऑपरेशन ओवर हियर, जहां पे मैं एक्स प्लस वाई करवा रही हूँ. सो और मैं एड की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ. वाई, तो जो एक्सप्रेशन है आपका वो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई. सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा ए कॉमा बी. सो इट विल प्रिंट यू 22, राइट? सो दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल एक्सप्रेशन. सो द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस द इंटीजर रिजल्ट ओनली, राइट? सो आफ्टर ऑल दी कॉम्पिटिशन्स एंड द टाइप कन्वर्सन, इफ यू आर गेटिंग द इंटीजर आउटपुट देन दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ इंटीग्रल एक्सप्रेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमने किया, ए को मैंने सपोज असाइन किया, मानो फ्लोट वैल्यू दी है विच इज 2.3, बी को मैंने वैल्यू दी है 2, ओके 4 लेते हैं. अब मैं क्या करूंगी, सी के अंदर मुझे वैल्यूज लेनी है ए प्लस बी की. हियर यू कैन सी ए की जो वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू है. मुझे सी को इंटीग्रल एक्सप्रेशन बनाना है. सो हियर आई नीड टू परफॉर्म दी टाइप कास्टिंग और यू कैन से टाइप कन्वर्जन. सो आई विल ट्रांसफर द डेटा वैल्यू ऑफ ए इंटू इंटीजर एंड देन आई विल डू द एडिशन विथ बी. सो इफ आई प्रिंट बी ओवर हियर नाउ, सो इट विल गिव यू अ 6, बिकॉज यहाँ पे टाइप कन्वर्ट हो गई फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर. क्लियर एवरीबडी? इंटीग्रल एक्सप्रेशन. गुड. देन नेक्स्ट वन है फ्लोटिंग एक्सप्रेशन. फ्लोटिंग एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन आउट ऑफ विच वी आर गेटिंग द फ्लोट वैल्यू. सो सपोज आई एम डूइंग ए इक्वल्स 13, बी इक्वल्स 2 एंड आई एम डूइंग सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी. हियर आई विल गेट द आउटपुट इन अ फ्लोट वैल्यू, राइट? सो जो एक्सप्रेशन है ये हमारा वो क्या होगा, फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, बिकॉज आई एम गेटिंग द डेसिमल पॉइंट वैल्यूज. देन नेक्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन. सो यू कैन सी द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट? और द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एज वेल एज योर कंपेरिजन और यू कैन सी द रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट? सो दैट एक्सप्रेशन विल नोन एज द रिलेशनल एक्सप्रेशन. ए की वैल्यू मैंने असाइन की 21, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन की है 13,
सी को मैं असाइन करना चाहती हूँ 40, देन डी को मैंने असाइन किया है 37। नाउ इन एक्स आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन ए प्लस बी देन ग्रेटर और इक्वल सी माइनस डी। सो इट विल परफॉर्म ए प्लस बी फर्स्ट, इसके साथ साथ सी माइनस डी होगा एंड देन इट विल चेक ए प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल सी माइनस डी और नॉट। सो जैसे ही हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवाएंगे वी विल गेट दी आउटपुट राइट विच इज ट्रू। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशंस। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे, जो भी ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे इक्वेशन में, इट विल नोन एज द लॉजिकल एक्सप्रेशन राइट। सो आई एम डूइंग, सपोज पी को आपने वैल्यू असाइन कर दी, क्यू को असाइन कर दी, नाउ यू आर परफॉर्मिंग द लॉजिकल ऑपरेशंस। सो उसके लिए आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन काउंट होगा राइट। देन नेक्स्ट है बीट वाइज एक्सप्रेशन। जो हमने कल किया था एक्स के अंदर हम ए के ऊपर राइट साइड पे 2 बीट कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो वहां पे कन्वर्जन होके क्या मिलेगा आपको, जो आउटपुट मिलेगा, तो जो एक्सप्रेशन थ्रू आपको आउटपुट मिलता है वो एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बीट वाइज एक्सप्रेशन। सो द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द बीट वाइज ऑपरेटर्स इज नोन एज द बीट वाइज एक्सप्रेशन। बीट वाइज ऑपरेटर्स 2 ही आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये 2 में से आप अगर कोई एक्सप्रेशन में कोई यूज करते हो तो वो एज अ काउंट होगा बीट वाइज एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन मीन्स वॉट? सो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द मोर देन वन ऑपरेटर, और यू कैन से द एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, बिकॉज वी नो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में भी एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे राइट। सो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर सारे ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन। सपोज आई एम डूइंग ए इज इक्वल्स टू 16, देन बी इज इक्वल्स टू 12, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी राइट शिफ्ट 1। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन, और यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंसी जो कि हमने आज ही डिस्कस किया है। क्लियर एवरीबॉडी? गुड। लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडे इज कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। हम एल वैल्यू किसे कहते हैं, आर वैल्यू किसे कहते हैं? सो एल वैल्यू मीन्स, सॉरी, एल वैल्यू मीन्स इट इज द पर्टिक्युलर ऑपरेंड विच इज ऑपरेंड, और यू कैन सी द नेम ऑफ वेरिएबल जिसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं राइट। सो सपोज आई एम राइटिंग ए इक्वल्स बी, सो हियर ए विल बी अ एल वैल्यू राइट, एंड व्हाट विल बी द आर वैल्यू, व्हाट विल बी द आर वैल्यू? ए इज इक्वल्स टू बी। सो जो वैल्यू हम
लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करते हैं, दैट इज एल वैल्यू, राइट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, सो सपोज आई एम राइटिंग ए इज इक्वल्स टू बी, इट मीन्स आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ बी टू ए. सो इन दैट एक्सप्रेशन आर वैल्यू विल बी योर बी एंड एल वैल्यू विल बी योर ए, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आई एम राइटिंग नेम इज इक्वल्स टू क्रीना, राइट? सो हियर क्रीना इज द एल वैल्यू और राइट आर वैल्यू, क्या आएगा? क्रीना एल वैल्यू या आर वैल्यू आएगा? सो क्रीना इज द वैल्यू, राइट? सो इट विल कंसीडर एज हियर एल वैल्यू का एक कंसेप्ट है और दूसरा है आर वैल्यू का. अब जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू हम किसे कहते हैं? सो पर्टिकुलर ऑपरेंड और यू कैन से द वेरिएबल नेम, राइट? जिसे हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं. सो हियर नेम इज द एल वैल्यू एंड क्रीना जो है वो वैल्यू है जो हम असाइन करते हैं नेम को. सो आर वैल्यू विल बी योर वैल्यू विच इज क्रीना. क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एज इज इक्वल्स टू 25. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर दी एल वैल्यू एंड व्हाट इज दी वैल्यू फॉर दी आर वैल्यू. सो हियर एल वैल्यू विल बी एज एंड आर वैल्यू विल बी 25. यस. करेक्ट. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द एल वैल्यू एंड आर वैल्यू. ओके, गुड. नाउ लेट्स डू वन क्विज राउंड. इज माई स्क्रीन विजिबल? जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसके ऊपर ही ये क्विज बनाई हुई है. सो यू हैव टू राइट डाउन वॉट एवर योर आंसर इज इन अ चैट बॉक्स. फर्स्ट जस्ट हैव अ लुक एट दिस कोड एंड टेल मी वॉट विल बी द आउटपुट. What will be the output?
Yes, so here 50 will be your answer. Why 50? Why 50? Correct. So it is 50. 100 minus 50 is equals to 50. Correct. Now, second question. What is the output of print 2 multiply by 3, then 2 times a streak mark means exponential 3 into 4? What will be the output? You have to perform this in a Python code and tell me the answer. It is 216, correct. 216 is the correct answer. The next one is 4 is 100 in binary and 11 is 1011, right? So the binary conversion of 4 is 100. And binary conversion of 11 is 1011. Then what will be the output for the following code? Bitwise operators use हुए हैं. So bitwise और right shift है और एक है हमारा और operator. A और B, then A right shift 2. Perform this code on a Python compiler and tell me what is the output. Fifteen and one. Yes, correct. Next, what is the output for this particular expression, which is minus 18? Floor division 4. What will be the output? Minus 5. You will get the minus 5. Correct. Very good. Then what is the output of print 2 modulo 6? 2 modulo 6. Yes, 2 is the correct answer. Question number 6. What is the value of the following Python expression? You have to print 36 by 4, means division. It will be 9.0. Yes, 9.0 is the correct answer. Then what is the output of the print 10 minus 4 into 2? Very good. 2 is the correct answer. Question number 8. Which of the following operators has the highest precedency? किसकी प्रेसिडेंसी हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा? सो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन, राइट? क्वेश्चन नंबर 9. बीट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स हैज द हायर प्रेसिडेंसी देन द बीट वाइज एंड ऑपरेटर. इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. यस, बिकॉज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है. देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? बुलियन 0, देन 3.14159, बुलियन माइनस 3 एंड 1.0 प्लस 1j. व्हाट विल बी द आउटपुट?
यस, इट इज द सेकेंड ऑप्शन, फॉल्स, देन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? रन दिस फॉलोइंग पाइथन कोड एंड टेल मी व्हाट इज द आउटपुट. यस, नन. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर? वाई इज इक्वल्स टू 10, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस इक्वल टू. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? सिंटेक्स एरर विल बी देयर. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. इफ यू विल राइट एक्स प्लस इक्वल्स, सॉरी, वाई प्लस इक्वल्स टू, देन यू कैन ओवर राइट द वैल्यू ऑफ वाई, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल एक्स. So that reason it will give you the error, right? Next, what is the output of the following code? X is 6, Y is 2, X exponential Y, and X floor division Y. What will be the output? So it will be 36 and 3, correct. Next, question number 14. Yes, correct. 36 and 3 is the correct answer. What is the output of the print 2 exponential 3 exponential 2? What will be the output? So it will be 512. Right. Last question. What is the output of the following addition operator? Right. What will be the value or you will get the output? Yes, it will be 10, 20, 30, 40, and 10, 20, 30, 40. So both the time you will get the same value, 10, 20, 30, 40. Correct. Right? So yeah, this is all about the today's session. Right? Next जो है हमारा वो है जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, लूप्स है, वो हमें स्टार्ट करनी है, जो कि नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू होगी. राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. मे बी कल मुझे एक या दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, बट
ड्यू टू सम स्केड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेरीज, बट टूडे आई विल डू इट फॉर श्योर. सो दिस इज माई डिटेल्स, यू मे कॉन्टेक्ट मी पर्सनली फॉर दी फर्दर क्वेरीज. राइट, विल एंड दिस सेशन ओवर हियर एंड विल सी यू टुमॉरो. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे. थैंक यू वंदन. यस आई यस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आई विल एक्सप्लेन यू फॉर श्योर.